फ्रेंड्स, आज मैं जाड़े स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। कभी कभी क्या होता है कि गुड़ और तिल के आप लड्डू बनाइए या चिक्की बनाइए तो वो हार्ड हो जाती है या दांत में चिपकने लगती है, जिससे खाना प्रॉब्लम हो जाती है खाने में। तो बहुत ही स्पेशल ट्रिक बताऊंगी फ्रेंड्स, छोटी छोटी ट्रिक ये आजमाइएगा तो बहुत ही अच्छे से ये बन के तैयार हो जाएगी। मात्र कम समय में ही ये तैयार हो जाती है, 5 मिनट के अंदर ये रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। मैं सविता आप सबों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो ये देख सकते हैं कि मैं 1 कप सादा तिल ली हूँ। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो मैं 1 कप तिल ली हूँ। तो देखिए 1/4 में पीनट्स ली हूँ, यानी कि मूंगफली दाना। आप हाफ़ भी कर सकते हैं। तो मैं 1 कप ली हूँ और 1/4 में मूँगफली दाना ली हूँ। तो सबसे पहले मैं सादे तिल को अच्छी तरीके से 2-3 मिनट के लिए भून देती हूँ, मतलब कि ड्राई रोस्ट करना है। और जब आपको आवाज़ आने लगे चटकने की तो समझिए कि आपका ये तिल अच्छे तरीके से रोस्ट हो गया है। तो चलिए, मेरी काफ़ी अच्छी तरीके से आवाज़ आ रही है तो मैं गैस ऑफ़ कर दे रही हूँ, लेकिन फिर भी चला रही हूँ क्योंकि ये गर्म है। तो इसे मैं एक बर्तन में शिफ्ट कर ली हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से फूली फूली है। तो इसे मैं ठंडे होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो चलिए, उसी पैन में मैं ड्राई रोस्ट कर देती हूँ मूंगफली दाने को भी। और जब छिलके हटने लगे तो इसे भी मैं उतार दूँगी। तो काफ़ी अच्छी तरीके से, यदि आपके रोस्ट किए हुए हैं तो आप वही ले लीजिए। तो मैं इसे रोस्ट करके देखिए छिलके हटा दी हूँ। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेती हूँ दरदरी। तो देख सक रहे हैं कि मेरी मूंगफली इसमें दिख भी रही है। तो बिल्कुल ऐसा ही करना है, फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो ये देखिए मेरी तिल अच्छी तरीके से ठंडा गई है। तो उसी में मैं पीनट्स पाउडर को भी मिक्स कर देती हूँ। तो अभी मैं मिक्स कर लूँगी, जिससे बाद में मिलाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये देखिए मैं 2 चम्मच पाउडर ली हूँ, दूध पाउडर। बहुत ही अच्छे फ्लेवर आते हैं फ्रेंड्स, तो ये ज़रूर आप इसमें डालिए। और इलायची फ्लेवर मैं डाली हूँ, बहुत ही टेस्टी ये लड्डू बनके तैयार होती है। तो ये दोनों ज़रूर डालिए। तो अच्छी तरीके से मैं इसे मिक्स कर ली हूँ। तो चलिए, एक पैन मेरी अच्छी तरीके से गर्म हो गई है। तो उसमें मैं 1 चम्मच घी डाली हूँ। तो आप देख सक रहे हैं कि मैं गुड़ यूज कर रही हूँ। गुड़ को मैं पहले ही तोड़ ली थी अच्छी तरीके से, नहीं तो आप उसे कद्दूकस कर लीजिए। तो 1 कप तिल लिए हैं, तो 1 कप आप गुड़ यूज कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे रेशियो है। नहीं तो मैं कुछ पीनट्स भी डाली थी, तो इसलिए मैं जितना गुड़ दी हूँ उतना ही मैं, मैंने कि जितना तिल ली हूँ उतना मैं गुड़ दी हूँ, और जितना ही मैं पीनट्स ली हूँ उतना ही मैं उसका भी। तो मिठास आप जैसा खाना चाहते हैं उस तरीके से आप गुड़ का यूज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी रेशियो है ये। तो चलिए, इसे अच्छे तरीके से मैं पिघलने देती हूँ। तो ये देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से ये पिघल रही है। इसमें पानी का ज़रा भी यूज नहीं कीजिएगा। तो काफ़ी सॉफ्ट आपके तिल के लड्डू या गजक बनके तैयार होगी। तो ये देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से मेरी ये पिघल गई है सारी गुड़। तो देख सक रहे हैं कितनी अच्छी लग रही है और गाढ़ी भी हो गई है। इसमें और भी कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है, तो सिर्फ बबल उठने की देरी है। बबल उठते ही फ्रेंड्स, इसमें मैं जो मिक्सर तैयार करके रखी हूँ तिल का और पीनट्स का, उसे मैं मिक्स कर दूँगी। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से मेरी बबल उठ गई है। तो चलिए, इसमें मैं अब मिक्स कर देती हूँ। और सभी चीज़ मैं एक बार में ही मिक्स करके रखी हूँ, तो इसमें मिलाने में मुझे ज़रा सा भी दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो एक एक करके सब मुझे देना पड़ता। तो मैं नीचे में ही सभी को मिक्स करके रखी थी। ये देखिए, मैं तिल को, पीनट्स को और इलायची फ्लेवर, दूध सभी में मिक्स कर दी हूँ। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लीजिए। और आप देख रहे हैं कि आपकी ये पैन को छोड़ रही है, सब एक जगह इकट्ठे हो रही है। तो इसका मतलब आपका तैयार हो गया है, अब इसे आपको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये झटपट से बनाने वाली सामान है। आपको जिस बर्तन में, जिस सांचे में ढालना है, उसमें पहले से ही आप तेल का या घी का ग्रीस करके रख लीजिए। तो मैं ग्रीस करके पहले ही बर्तन को रख ली हूँ। तो चलिए, अब मैं गैस बंद कर देती हूँ, ऑफ़ कर देती हूँ और उसे बर्तन में मैं शिफ्ट करती हूँ। तो ये देखिए मेरी काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार हो गई है। तो ये देखिए, मैं इस ट्रे पर ही मैं लगा करके रखी हूँ, मैं इसी पर तेल ग्रीस करके रखी हूँ। तो इस पे मैं सारे मिक्सर को डाल देती हूँ अच्छे तरीके से।
यदि आपके पास बटर पेपर है तो वो ले लीजिए, उसके ऊपर रख करके दबा दबा करके आपको इसे ठंडा करना है और झटपट से बनाना शुरू करना है, नहीं तो ठंडाने पे वो उसी शेप में सेट हो जाती है, फिर बाद में बनाना मुश्किल हो जाएगी। तो ये देखिए मैं स्पैचुला की मदद से इसे बार बार उलट पलट कर रही हूँ जिससे ये अच्छी तरीके से ठंडा जाए और बनाना आसान हो जाए। मैंने पूरा ठंडाने भी नहीं देना है, नहीं तो ये सेट हो जाएगी ठंडाने पे। तो ये देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से मेरी ठंडा गई है और हल्का गर्म है। देखिए मैं हाथ से छू रही हूँ तो काफ़ी गर्म भी लग रही है। यदि आपको ज़्यादा गर्म लगे फ्रेंड्स तो आप पानी का मदद ले सकते हैं, हाथ में पानी लगा के हथेली पे, और उसे आप शेप दे सकते हैं जिस शेप में देना चाहते हैं। तो मैं कुछ गजक बनाऊंगी तो मैं बर्फ़ी का शेप दूंगी कुछ का, तो इसलिए मैं रोल कर रही हूँ और दो रोल का मैंने कि बीच में काट लूँगी, तो एक रोल का मैं गजक का शेप दूँगी, एक रोल में लड्डू का या मुट्ठे का शेप दूंगी। तो आप देख सक रहे हैं कि मैं दो शेप तैयार की हूं, तो एक मैं गोल रोल तैयार करके रख दी हूं ठंडाने के लिए, और उस रोल पे आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स यूज करना है आप उसमें कर सकते हैं। तो एक रोल मैं रख दी हूं, दूसरे रोल से मैं देखिए लड्डू का शेप दे रही हूँ या मुट्ठे का शेप दूँगी। आप जिस शेप में देना चाहते हैं फ्रेंड्स आप उसे दे सकते हैं। काफ़ी ही आसान है इसे बनाना। तो आप देख रहे हैं मैं मुट्ठा भी बना रही हूँ तो गर्म लग रही है, यदि आपको ज़्यादा गर्म लगे तो आप हथेली पे पानी का यूज कर सकते हैं। तो मैं ठीक है मैं कर रही हूँ, मुझे ज़्यादा गर्म नहीं लग रही है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से मुट्ठे बंध रही है, तो मैं इसे बांध के तैयार कर लेती हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप सारे तैयार कर लीजिए, काफ़ी ही सॉफ्ट बन के तैयार होती है। बीच बीच में बना के भी खा सकते हैं, गुड़ का तिल का लड्डू या कोई भी चीज़ बर्फ़ी बना के खा सकते हैं। सर्दी खांसी के लिए भी काफ़ी अच्छी है, बच्चे को काफ़ी फायदे करते हैं, इसलिए इसे ज़रूर खाना चाहिए फ्रेंड्स। और काफ़ी आसान है इसे बनाना भी। तो चलिए मेरी ये रोल को भी मैं काट लेती हूँ बर्फ़ी का शेप में। तो ये देखिए मैं इस शेप में काट रही हूँ, आपको काटने से ही पता चल रहा होगा कि कितने अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है मेरी, और काफ़ी आसान है फ्रेंड्स बनाना। इसमें आप दूध का फ्लेवर नहीं देना चाहते हैं तो इसमें आप नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में भी, खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो इस तरीके से मैं देखिए तीन तरह का शेप निकाली हूँ, एक गजक का दे दी हूँ बर्फ़ी का शेप में, और एक मैं लड्डू का शेप दी हूँ, एक में मैं मुट्ठा का शेप दी हूँ। तो अलग अलग शेप का मैं तीन तरीके से बनाई हूँ। आप सभी को लड्डू का भी शेप दे सकते हैं या बर्फ़ी का भी शेप दे सकते हैं। तो गुड़ और तिल और दूध फ्लेवर का बहुत ही अच्छा मिक्सचर है, बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हुई। आप देख सकते हैं कि तोड़ने पर कितनी स्मूथ टूटी है और बिल्कुल मुंह में जाके घुल जाने वाली है, ज़रा सा भी मुंह में चिपकेगी नहीं, अपने दांत में नहीं चिपकेगी और हार्ड भी नहीं है, बहुत ही अच्छी बन के ये तैयार हुई है। तो ज़रूर इस रेसिपी को बनाइए, बहुत ही अच्छी रेसिपी बन के तैयार हुई है। आप सबको यदि पसंद आ रही हो फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो फ्रेंड तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ फ्रेंड्स, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।